तो ये है सैमसंग गैलेक्सी जी फोल्ड, और यहाँ पर जो फ़ोन लॉन्च हुआ है आज ही, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हाथ के अंदर कितना अच्छा लग रहा है, काफ़ी लुक प्रीमियम लग रहा है। मैंने इसका बैक कवर लगा दिया है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। साइड में वही वॉल्यूम रॉकर्स हैं, वही यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, वही फ्रंट में हम देखा जाए तो यहीं पे उतनी ही साइज़ की आपको स्क्रीन देखने को मिल जाती है, वही शॉर्टकट कीज़ हैं। लेफ्ट साइड में भी यहाँ पर आपको कुछ नहीं देखने को मिलता है। नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पे वही स्पीकर ग्रिल्स मिल जाते हैं, टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, माइक मिल जाता है, ऊपर की तरफ भी आपको ड्यूल स्पीकर का ऑप्शन मिल जाता है जैसे कि आप देखते हैं। तो यहाँ पर माइक भी है तो स्टीरियो साउंड तो आता ही है। साथ में यहाँ पे सारी चीज़ें देखी जाए तो फ्रंट कैमरा वगैरह और हम बात करें सारी चीज़ों की, तो ओवरऑल जो फ़ोन है वो ओवरऑल पूरा का पूरा है एज इट इज़ ऐसे का ऐसा है। कुछ चीज़ें इसमें मेजर चेंज की गई है, जैसे बैटरी की बात करें तो यहाँ पर 3300 से 3700 mAh की बैटरी हो गई, यानी कि 3700 की हो गई है। वॉट की बात करें तो 15 वॉट का Z Flip 3 जो आता था उसको चार्ज करता था, लेकिन अभी इसमें 25 वॉट की सपोर्टिंग मिल गई है, रिवर्स चार्जिंग ऑलरेडी है इसके अंदर। बात करें प्रोसेसर की तो प्रोसेसर में भी यहाँ पे चेंजेस किए गए, तो Flip 3 के अंदर Snapdragon 888 मिलता था, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर आपको Snapdragon 8 Gen 1 मिलने वाला है, तो जो कि फास्टेस्ट प्रोसेसर होगा। और साथ में यहाँ पर हम बात करें बॉडी रेशो की, तो यहाँ पर अगर आप देखते हो गौर से तो यहाँ पर रेशो जो है वो बॉडी का यानी कि स्क्रीन की साइड की बॉर्डर का वो यहाँ पर थोड़ा सा कम हो गया है, और उसके अलावा जो सारी चीज़ें हैं वो काफ़ी सिमिलर ही है इसके अंदर एज इट इज़, ज़्यादा कुछ खास फर्क देखने को मिलेगा नहीं। लेकिन परफॉर्मेंस वाइज अगर बात की जाए तो कहा जा रहा है कि फोन की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हद तक चेंज हो चुकी है और काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, कैमरा वगैरह जो भी हो तो सेम एज इट इज़ वैसे ही काम करेगा, सारी जितने भी फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं सैमसंग गैलेक्सी जी फ्लिप 3 के अंदर। दूसरी अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इसके अंदर 256 GB तक ही वेरिएंट आता था, अब 512 GB का भी मिलेगा। प्राइस अभी बारे में अभी इसके बारे में कोई भी रिवील नहीं की गई, क्योंकि जी फ्लिप 3 के पास जी फोल्ड और फोल्ड 4 फोन यानी कि फोन दोनों ही लॉन्च हो चुके हैं। आज अनपैक इवेंट था सैमसंग का, तो जहां पर आपको सारी चीज़ें सिमिलर ही देखने को मिलती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मेजरली इसमें चेंजेस देखे गए हैं। हालांकि फ़ोन के अंदर जो थिकनेस है, जो स्लिमनेस है वो सेम बरकरार रखी गई है, लेकिन कहा ऐसा जा रहा है कि जो फ्लिप 3 है उससे थोड़ा इसका वेट हल्का सा ज़्यादा हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप कवर वगैरह लगाते हैं तो इतना कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन हाथ के अंदर काफ़ी क्लासी और काफ़ी कॉम्पैक्ट लगता है, जिसको आप जीन्स में ईजिली रख सकते हैं। अगर हम बात करें आईफोन मिनी 13 के बारे में यानी कि मिनी 12 के बारे में, तो उससे भी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, क्योंकि छोटा सा फोन है, इजीली आप इसको रख सकते हैं अपने पॉकेट्स के अंदर, चाहे वो शर्ट की पॉकेट हो या जींस की पॉकेट हो, रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती कहीं पर भी। और वही शॉर्टकट कीज़ हैं, वही कैमरा है, वही इंटरनल आपको स्टोरेज वगैरह सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, जो कि यहाँ पे मेजर चीज़ें चेंजेस की गई है। बात करें यहाँ पे स्क्रीन की प्रोटेक्शन की, तो फ्लिप 3 के अंदर आपको गोरिल्ला प्रोटेक्शन मिलता था यानी कि है ना विक्टस वाला, तो यहाँ पर आपको अब गोरिल्ला प्रोटेक्शन विक्टस प्लस मिलने वाला है स्क्रीन के अंदर, राइट। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है कि आप यहाँ पर इन चीज़ों को भी देख सकते हैं कि ये चेंजेस आपको जी फ्लिप 4 के अंदर देखने को मिलेंगे। तो यार अब बात करें ओवरऑल चीज़ों की, तो आप बोलेंगे यार इधर कुछ खास फर्क चेंजेस दिख नहीं रहे इस साल में, क्या कर लिया नया फ़ोन उतार के, क्या करा, क्या फ़र्क लगा। तो मैं दोस्तों आपको क्लियर बता दूं कि सैमसंग एक ऐसा ब्रांड है जो कि अपनी चीज़ों के अंदर इम्प्रूवमेंट लाता है, और ये इम्प्रोविजन के पीछे ही ये कंपनी सबसे ज़्यादा चलती है। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो देखिए क्या होता है कि कंपनी हर बार अपना फीडबैक लेती है, कस्टमर्स के लिए अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स निकालती है। उसी तरीके से जैसे फ्लिप 3 का जो आपको यानी कि रिस्पॉन्स मिला कंपनी को, तो उनको देखते हुए जो भी उसमें माइनस पॉइंट्स देना वो इस वाले फ्लिप 4 के अंदर वो सारे कवर अप किए गए हैं। जैसे कि बैटरी की बात करें या डिस्प्ले की बात करें, डिस्प्ले रेशो की बात करें या आपके फास्ट चार्जिंग की बात करें, तो और प्रोसेसर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगाया गया है इस बार, बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिलने वाला है। और यहाँ पर जो चीज़ें जो भी इसमें हाईलाइट की गई है बेसिकली, वो सब चीज़ों को एक नज़र में देखते हुए ही सबको यहाँ पे सॉल्व करते हुए कस्टमर्स की सारी प्रॉब्लम्स को उस तरीके से इस फ़ोन को वापस से ऐसे लॉन्च किया गया है ताकि लोग अच्छे से फोल्ड को एक्सपीरियंस कर पाएँ, क्योंकि फोल्ड ही फ्यूचर है यानी कि FFF, तो फोल्ड ही फ्यूचर है। और आपको आने वाले टाइम पे सैमसंग के ऐसे प्रोडक्ट्स और भी दिखेंगे जो कि एक फ्यूचरिस्टिक फ़ोन होंगे। 2022 के अंदर आपको ऐसे फोन यूज़ करने को मिलेंगे, तो सोचिए आगे आने वाले टाइम पे कितने अच्छे अमेजिंग टेक्नोलॉजी के साथ सैमसंग अपने फोन लेकर आने वाला है। तो गाइज़ ये कुछ मोटा मोटी चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की फ्लिप 3 और फ्लिप 4 के बीच में डिफरेंस के अंदर। तो यहाँ पर कुछ भी नया अपडेट आता है सैमसंग गैलेक्सी जी फ्लिप 4 के बारे में या कुछ भी नया पता लगता है तो मैं आपको और बताऊंगा। वैसे ये जो फोन है ये फ्लिप 3 है, तो मेरे पास ये फ्लिप 3 मेरा फोन था यहाँ पर, तो मैंने आपको एक बार बताया कि इसके अंदर क्या क्या खास चीज़ें आपको देखने को मिली है और फ्लिप 4 के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगी। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इसी तरीके की वीडियोज में आप लोग लाता रहूँ। थैंक यू फ्रॉम टेक क्लब।